और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं और दुर्ग के बाद प्रधानमंत्री महासमुंद पहुंचे। चुनावी मैदान में प्रचार को धार दे रहे प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग से कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा आएगी और कांग्रेस जाबत है। तो इतना ही नहीं, उन्होंने महादेव ऐप को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व को उभरने नहीं दिया है, तुष्टिकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। आदिवासियों की बदहाली की गुनहगार सिर्फ कांग्रेस है, बीजेपी ने गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। तो इसी बीच बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब निशाना साधा तो भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। पीएम मोदी सेलेक्टिव कार्रवाई ना करें, रमन सिंह, अजित पवार, हेमंता पर पहले कार्रवाई करें, यह पलटवार किया है भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले, वो सेलेक्टिव कार्रवाई का न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजित पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धूल के आए ना उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें।